बगीचा आ रहे हो ना, बन गया हूँ भेड़बकरी वाला। और ये सामान और साथ में लेके आते हो खाने पीने के लिए? और भाई कहीं हाल है? राम राम। और कहीं कर रही हो? उठे भेड़ बकरी और चढ़ा दिया हो कहीं? कहीं नाम है, क्या नाम है आपका? राजू। और आपका क्या नाम है? नाम नहीं पता आपको? मुकेश नाम है ना। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हम लोग आज स्वागत करता हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो आज हम लोग, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने इनको भेड़ बकरी और चढ़ाते देखा। बाकी मैं तो शहर में रहता हूँ, गाँव में रहता नहीं, तो मैंने देखा यार कैसे करते हैं, कैसे चढ़ाते हैं ऐसी धूप के अंदर, कैसे काम करते हैं। मेरी इच्छा हुई जानने की थोड़ी, तो मैं भाई के पास आया हूँ पूछने के लिए, बात करने के लिए। तो देखते हैं आगे कैसे चढ़ाते हैं, कैसे ये पूरा दिन काटते हैं भेड़ बकरियों के साथ में। चलिए, तो अपने पास कितनी भेड़ बकरियां हैं? 250 नग। अभी ये पूरी जो बाड़े में ऐसा ही 250 है? और इसके अलावा घर पे भी होगी? घर पे बच्चे, घर पे मेमने, भेड़ बकरियों के मेमने है ना, 250 है। कितना टाइम हो गया आपको ये चढ़ाते हुए काम? 7 बजे आते हैं, 8 बजे सुबह, 7 बजे से 7-8 बजे से, और शाम को फिर 7-8 बजे घर पे जाते। 7-8 बजे तक शाम को जाते हो, मैंने पूरे दिन चढ़ाते हो? हाँ। यहीं पे इसी सर्किल में चढ़ाते हो या दूसरी जगह भी ले जाते हो? दूसरे जगह, घोड़ो में, रोई में, यहाँ इधर। ये क्या मतलब, ये घास फूस तो अपने पता है रेगिस्तान में होती नहीं, खाती क्या है भेड़ बकरियाँ? क्या खाती है फिर भी? ऐसे ही घूमने के लिए पत्ते वत्ते खाती है ना? ये कीकर के पत्ते खाती है क्या? ये नहीं खाती है ना, तो कौन से पत्ते खाती है? खेजड़ी। कितनी ऊंची है यार खेजड़ी, कैसे खाएगी? पटकनी पड़ती है हमको हाथों से। अच्छा, हाथों से नीचे निकाल के नीचे। एक बार बता ना कैसे करते हो, कर देगा अभी? हैं अभी नहीं होगा। अच्छा, ये पत्ते हैं तो नीचे गिरा देते हो ना, फिर ये भेड़ बकरियां खा लेती है इन पत्तों को। अच्छा, और बाकी घास फूस होती है नीचे उगी हुई वो खा लेती है, है ना? आकड़े बाकड़े खा लेती है। आकड़े खा लेती है, आकड़ा तो जहरीला होता है ना? सब खाती है यार, सब खा लेती है, आकड़े भी जहरीला नहीं होता वो? और ये सामान और साथ में लेके आते हो खाने पीने के लिए? दोपहर में खाना खा लेते हो, पानी वाणी सब है? तो तीन तीन बोतलें हैं बड़ी बड़ी, बढ़िया यार। मैं चलूँ क्या? मैं चलूँगी तेरे साथ चरवाने के लिए। चलो चलो। कहाँ जाओगे अभी चरवाने के लिए? अभी जाएंगे घोड़ों में सर की तरफ। अभी जाओगे? चलू मैं पक्का? ठीक है फिर मैं चलता हूँ साथ में। डांग अपनी है ना, इससे चराते हो? मैं चलूँ साथ में? चलो पक्का, अभी जा रहे हो क्या? खोड़ में जाओगे ना? टाइम क्या हुआ? ठीक है, आपके साथ मैं भी बन जाता हूँ आज भेड़ बकरी चराने वाला। लीजिए भाई साहब, बन गए हूँ भेड़ बकरी वाला, ये देखिए। और भाई से सीखते हैं कैसे भेड़ बकरी और चराते हैं, थोड़ा कुछ नई चीजें सीखते हैं। आया आ भाई, आजा। और कैसे चराते हैं बताओ मुझे, मैं भी चराता हूँ साथ में, है? आजा, कैसे चरानी है उसको? इधर मोड़ो। कैसे रानी है इनको? इधर मोड़ो, इधर इधर इधर, अरे इधर से जाओ, इधर इधर से जाओ, इधर मोड़ो, इधर लेके आना है, इधर से मोड़ो। Thank you.
आप लोग घरों में रहते हैं फिर भी बकरी क्यों चरा रहे? क्या हो गया भाई, कुछ न कुछ नया सीखेंगे ना। तो भाई साहब, जैसा कि आपने देखा, कुछ नया एक्सपीरियंस लिया है और भेड़ बकरियां चराई है, यही काम बाकी रह गए थे हमारे। भाई साहब सोच रहे हैं कि एक दो घंटे भाई के साथ में ही रहेंगे और चराएंगे बकरियां इनके साथ में, कैसे चराते हैं। और अब सही है, वीडियो सामने बोल रहा है, अभी शर्मा रहा था ना, और क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, अच्छा, कि 250 भेड़ बकरियां अपने पास है ना, सही है? लोगों दिए गई घर घर एक। अच्छा, एक घर में एक है। के 45,000 रुपए भाई को बोल रहा हूँ, मुझे भी नौकरी पे रख ले, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, बकरियां चराऊंगा, कुछ 10,000 दे ही देना। तो बहुत शानदार भाई। और अभी ये लोग जा रहे हैं, अभी चरवा ली है बकरियां और अभी वापस बाड़े की तरफ जा रहे हैं ना चरवाने, और चरवाने जाओगे? अच्छा, वो घर पे जा रहे हैं, बाड़े घर पे नहीं, वो यहाँ पे आस पास चराएंगे। तू अभी आगे जाएगा? हाँ ठीक है, फिर चलते हैं साथ में। दूध निकालते हो क्या? निकालते हैं, थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, सब बकरी जाने वाली है। ये सारी बकरियां तुम्हारी है? हाँ, सारी मेरी। वो कह रहा था ना कि भाई एक एक घर से लेके आते हैं, चराते हैं। तो वो तो चराई वाली अलग से आती है, हमारी घर की अलग है। अच्छा, वो चराई वाली है, वो लेके चला गया? हाँ, वो बैठे बैठे है ना, जो घर वाली उनमें से 50-60 घर की है। अच्छा, 150 चराते हो, बाकी घर की है, घर वाली तुम लोग चराते हो, दाढ़ी लेते हो उनसे फिर कितनी? हमारी जिम्मेवारी होती है, घूम जाती है सब वगैरह वगैरह, वो जो उन्हें एक बकरी का 300 रुपए देते। अच्छा, कितने दिन का? महीने का 300 रुपए एक बकरी का। फिर कितनी बकरियां चरा लेते हो? 150 बकरियां चरा लेते हो? 150 यानी हो गए 150 बकरी है, 300 रुपए रोज के, महीने के हो गए, ठीक है, एक महीना 150 चरा ली तो 30,000 हो गए ना, है ना? 30,000 तो 10 बकरे 3,000 और 100 के हो गए 30,000। पता नहीं कितने हो गए, 30 हो गए भाई, 30 मतलब 45,000 कमा लेते हो थैले में। इसमें थोड़ा बता तो, टिफिन वगैरह नीचे कर दो, ले भी टिफिन और साथ में रखते हैं खाना, और खाने के लिए दोपहर में खाना खा लेते हैं और वापस चलाने लग जाते हैं। बढ़िया, ये भी काम है, ये भी, इसमें भी लंच होता है, इसमें भी सारे काम होते हैं। तो भाई अभी आराम कर रहे हैं, काफी देर से बकरियां चरा रहे थे हम लोग तीनों जने, अभी यहाँ पे आराम करेंगे छाया में, बढ़िया। और बाकी बकरियां चर रही है यहाँ पे फोड़ के अंदर, यहाँ पे काफी मिल जाता है, अभी बारिश काफी हुई है तो खाने के लिए पत्ते घास और मिल जाता है, काफी मिल जाते हैं। बाकी क्या नहीं है, है? नहीं अभी है। बारिश नहीं हुई, नहीं बारिश हुई थी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, तो बकरियां भूखी थोड़ी मर रही है आपके आगे है तो देखो कचरा कौन सा है। हाँ सही है, नीचे तो कचरा है नहीं, ये खा लेती है आंकड़े के पत्ते, ये खा लेती है, इसमें तो यार देख जहर है ना, ये देख ये है ना कैसा, ये मतलब इसको तोड़ते हैं ना तो सफेद सफेद दूध जैसा निकलता है ना। हाँ, वो उससे बकरी का दूध बनता है। अच्छा, इससे दूध बनता है बकरी का? ले भाई, इससे हम लोग मानते हैं कि इसमें जहर होता है, बस बकरियों के लिए अमृत की तरह है, और इससे दूध बनता है बकरियों के लिए, और वही दूध जो भी बकरी का दूध पीने वाले होते हैं वो भी पीते हैं भाई। हमने भी अगर कभी पी है तो हमने यही दूध पिया है, आंकड़ा है, ये रेगिस्तान में ये ज्यादा होता है, इसी का दूध पिया है। तो भाई इसकी बकरियां चर रही है अभी यहीं पे, पर भी भेड़ नहीं रखते ये लोग, क्यों? ये कह रहा है कि भेड़ रखने से क्या है, महंगी पड़ती है, भेड़ सिर्फ घास खाती है और बकरियां कुछ भी आंकड़े के पत्ते या कुछ भी खा लेती है, कुछ किसी भी पौधे के पत्ते खा लेगी, मतलब ये रूखी सूखी में काम चला लेती है। भेड़ों को चाहिए घी, मिठाइयां,
वो बात है भाई, उनको घास चाहिए हरी भरी, और घास अभी इस रेगिस्तान में कहाँ से होगी आपको पता ही है। और बाकी दो लोग और साथ में थे, वो चले गए दूसरी जगह पे, और ये भाई अभी बकरियां चरा रहा है अपने। और कितने दूर जाएगा? घर पे जाएगा, कह रहा था ना आगे जाऊंगा और। अच्छा सही है। और एक साल में कितने बच्चे हो जाते हैं बकरियों के? एक साल में दो बच्चे, एक बकरी घास मिलता है जब। अच्छा वो भी खाने मिलते हैं ना। हाँ जब हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? सुमन। मेरी बहन का नाम भी सुमन है, तू भी फिर मेरी बहन ही हुई है ना। पढ़ाई करते हो तुम लोग? नहीं क्यों पढ़ाई क्यों नहीं क्यों नहीं? स्कूल तो गए होंगे कभी? कभी नहीं गए? नाम लिखा उड़े किस कौन से स्कूल में? हाँ खाली नाम लिखा है, गए नहीं कभी? एक दो बार गए थे। हाँ अच्छा एक दो बार गए, पीछे से वापस आ गए घूम के? एक दो बार गए थे हाँ, लेकिन इतने में लॉकडाउन लग गया। अच्छा कौन सी क्लास में? हम तीसरी कक्षा। तीसरी क्लास में हो, मतलब पहली दूसरी तुम गए थे? पहली दूसरी कर ली, पास कर ली? हाँ मतलब गए हो, कुछ तो गए हो, मतलब पढ़ना लिखना तो आता ही है। तो हाँ और क्या चाहिए अभी लोग? अच्छा ऐसे हम हिंदी हिंदी छोटी मोटी हिंदी पढ़ लेते हैं, छोटी मोटी इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी आती है? छोटी मोटी आती है। वाह भाई क्या नाम बताया था? राजू और सुमन। बढ़िया है भाई राजू सुमन, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मुझे पसंद है यार, मुझे भी रख लेना साथ में है। पक्का आ जाऊं कल सुबह से? कितनी दाढ़ी दोगे? कितनी फिर भी? 500 रुपये रोज के है? पक्का? कितने बजे टाइम क्या होगा फिर? सुबह 7 बजे आना होगा, शाम को 7-8 बजे घर पे जाना। सुबह 7 से शाम को 7-8, 15 घंटे? और अरे अरे 500 दे देगा पक्का सही में? ठीक है फिर कल से आता हूँ यार, मैं भी तेरे साथ में भेड़े चराने जाऊंगा, अपने तीनों भाई बहन जाएंगे, भेड़े चराएंगे, खाएंगे पियेंगे, बकरियों का दूध पियेंगे है। वो वाली मोटी बकरी है ना, उसके पीछे तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं इसके पीछे? ये पीछे वाले तीन बच्चे? अच्छा घर पे है तीन बच्चे? ये रहे ना तीन बच्चे। अच्छा साथ में ही है? मोटे मोटे ना। हाँ अच्छा पांच लाते हैं पता नहीं, बार तीन। अब क्या तीन ही लाई खाली? लॉकडाउन लगा हुआ है ना इसलिए कम लेके आई है। तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई तेरे साथ बात करके, तेरे साथ बकरियां चरा के बढ़िया है, लगे रहे और पढ़ाई करते रहना साथ में। ठीक है ओके। तो कैसा लगा बताना वीडियो, कुछ नया करने की कोशिश की गई है और कुछ नई लाइफ जीने की कोशिश की है हमने, जो लाइफ चरवाहे जीते हैं, जो भेड़ बकरियां चराना जीते हैं वो लाइफ जीने की कोशिश की है, और काफ़ी हार्ड है भाई, काफ़ी हार्ड है। तो इनकी मेहनत को सलाम कीजिए, कैसे मेहनत करते हैं और कैसे इनको इकोनॉमी में भी काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि काफ़ी पशुपालक हैं तो काफ़ी इकोनॉमी में फ़ायदा होता है, और भेड़ और ऊन और मिलती है तो काफ़ी है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू और इतना वीडियो में आने के लिए थैंक यू।